हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कल रात को 12:02 पे एक ट्वीट आता है जो कि 90 सेकेंड स्टॉपेज, ये आप ट्विटर हैंडल है। आपको अगर कुछ भी न्यूज़ है तो आपको इंडियन फुटबॉल के बारे में आप वो ट्विटर हैंडल पे भरोसा रख सकते हो। तो उनका एक ट्वीट आता है कि WAFF ने इन्वाइट किया है थाईलैंड को एंड इंडिया को इन्वाइट नहीं किया है। क्या बोल सकते हो, तभी एट द टाइम मैं सोच रहा था कि भाई मैंने आज ही वीडियो बनाया है कि हम लोग WAFF ने इनवाइट किया हम लोग को और हम लोग खेलने जाएंगे हम बड़ी बड़ी टीम्स के साथ। एंड कल रात को मैं सोच रहा कि भाई हम लोग नहीं खेलेंगे। भाई दिस इज वेरी सैड। एंड हम लोग तो सब लोग कितने खुश थे, जो जो इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते कितने खुश थे हम लोग कि यार हमें ये हम लोग को बड़ी बड़ी टीम्स का खेलने मिलेगा, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा। सो आइए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आप बोल सकते हो कि जो न्यूज आया है वो हम लोग पढ़ेंगे एंड ये वाले वीडियो में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी इसके आगे क्या। सो आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया लेफ्ट आउट ऑफ WAFF चैंपियनशिप, ऑर्गेनाइजर्स चूज थाईलैंड एज गेस्ट टीम। इंडिया हैव मिस्ड आउट ऑन प्लेइंग अगेंस्ट एशियन फुटबॉल्स बिग गन्स आफ्टर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द वेस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन WAFF चैंपियनशिप 2023 टोल्ड देम दे कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। अकोमोडेटेड यहाँ पर मतलब कि आप मतलब आप आ नहीं सकते और आपके लिए जगह नहीं है कि आप खेल सके, तो आपके वाले हम लोगों ने थाईलैंड को लिया है। ठीक है, sources said the organizers have confirmed Thailand as a guest team for WAFF championship along with 11 member nations. WAFF had initially written to all India Football Federation AIFF asking whether they were interested in taking part in a 12 team championship as a guest team. The tournament is scheduled to kick off in UAE on March 20 during the FIFA international window. Then AIFF were keen. National coach Igor Stimac also gave his consent. But the federation has now been told that they have confirmed the participating teams, with India failing to get the nod. The WAFF organizer sent a regret letter late on Thursday night. A senior AIFF officer told the Times of India. They said they have got offers from multiple countries, so they could not consider India. The 10th edition of WAFF championship will see the participation of the World Cuppers. Saudi Arabia, UAE, Jordan, Bahrain, Syria, Iraq, Oman, Kuwait, Lebanon, Yemen and Palestine, besides Thailand, who have made it to the final of the Asian Championship and will face Vietnam for top honours. Asian Champions Qatar have not been included among the participants in list released by organisers on its official website. Now that WAFF is no longer an option, AIFF has started the hunt to finalise two friendlies during the international window from March 20 to March 28. The initial plan was to host the friendlies at home with no higher rank opponent while willing to travel to India. The federation is forced to look at alternatives. Shimak has asked the AIFF to ensure that he has enough time to prepare the team for friendly. So, यहाँ पर यही है कि अगर मैं बोलूँ कि WAFF ने जब भी लेटर एक रिग्रेट लेटर हमें हमें भेजा है कि हम लोग आपको नहीं ले सके और आपके वाले हम लोगों ने थाईलैंड को लिया, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन नहीं बोले कि हाँ यार एक रीजन है कि ये रीजन से हम लोगों ने थाईलैंड को लिया। तो यहाँ पर एक रीजन तो नहीं बताया ऑफिशियली या फिर खुले, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक लाइन है जो आप बोल रहे कि थाईलैंड एशियन चैंपियंस ऐसा कुछ, तो वो जो लाइन अगर आप पढ़ोगे ना तो मेरे को लगता है कि वो एक रीजन आएगा कि उसको कंसिडर करके हमें मेरे को लगता है कि इंडिया को लिया गया। ये जस्ट मेरा थॉट है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिसपे हम लोग बोल सके कि हाँ आप लोग ये बस यही एक रिग्रेट लेटर दिया। एंड यहाँ पर अभी क्या होता है कि इसके बदले अगर अभी हम लोग फ्रेंडली से ऑर्गेनाइज करने वाले थे, AIFF फ्रेंडलीज को ऑर्गेनाइज करने वाले थे मार्च 20 टू मार्च 28, लेकिन अभी क्या होगा कि मतलब अभी जो WAFF का टूर्नामेंट आया था वो चैंपियनशिप का, तो हम लोग उसके लिए खुश थे, हम लोग सब लोग खुश थे कि हाँ यार हम लोग WAFF का कंपटीशन देखेंगे, चैंपियनशिप देखेंगे, लेकिन अभी एक फ्रेंडलीज होगा एंड ये दो फ्रेंडलीज होगी और यहाँ पर यही है कि हम लोग देखो हायर रैंक ओपोनेंट्स तो कोई आने नहीं वाला है, दिस इज फॉर श्योर। अभी AIFF को यही देखना पड़ेगा कि AIFF को ये इंश्योर करना पड़ेगा या फिर जितना हो सके ट्राई करना पड़ेगा कि हम लोग से जो हायर रैंक ओपोनेंट्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप दोनों टीम्स को एकदम हायर रैंक का लेकर एक, एक, एक मतलब अगर समझो दोनों में से नहीं होता तो एक जो टीम है जो हायर ओपोनेंट रहेगी, सब जो 80 टू 90 जो रैंक रहेगा या फिर 70, तो उनको अप्रोच कीजिए या बोलिए कि यार आप आइए हम लोग ऐसा फ्रेंडली खेलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंडलीज तो खेल लेंगे, मैं आई वॉन्ट टीम इंडिया टू प्ले फ्रेंडलीज, लेकिन जब भी एक हायर क्वालिटी रैंक टीम खेलती है ना हम लोग के साथ तभी फर्क पड़ता है, तभी हम लोगों को पता चलता है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स कहाँ पर स्टैंड होते हैं एंड एक अलग सा एक्सपोजर मिलता है, एक अलग से एक्सपीरियंस मिलता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए। डेफिनेटली WAFF तो अभी नहीं है, तो अभी हम लोग दो फ्रेंडली से देखना पड़ेगा जो 20 टू 28 की बीच में ये जो विंडो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा। एंड यहाँ पर ISL के जो प्लेयर्स है, ISL टीम्स
जैसे कि हैदराबाद मुंबई, ये जो दो तीन क्लब्स जो फाइनल मोस्ट प्रोबेबली खेलने वाले हैं, तो इनमें से जो प्लेयर्स है उनको शायद से ज्यादा चांस मिलेगा या फिर उनको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं मिलेगा टीम इंडिया के साथ कि हम वो दो खेल सके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दे विल ऑल बी अवेलेबल। एंड वो ये कि स्टीमैच ने बोला है कि स्टीमैच ने बोला है कि मेरे को एक थोड़ा टाइम चाहिए टीम को प्रिपेयर करने के लिए। आई गेस वो उसको सेट ऑफ प्लेयर्स तो मिल जाएगा लेकिन सब प्लेयर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लोग आईएसएल ड्यूटीज पे रहेंगे। तो भाई यही है कि मतलब हम लोग सब लोग खुश थे क्योंकि दो तीन दिन पहले रोड मैप हम लोग का इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद ही अचानक से ये न्यूज आती है कि WAFF ने इनवाइट किया हम लोगों की, हाँ यार आप लोग आओ हमारे साथ बड़े बड़े टीम्स का खेलो, तभी हम लोग सब लोग खुश थे। एंड लेकिन फिर कल रात को ये ट्वीट आता है कि भाई वी आर नॉट बीन इन्वाइटेड, हम लोग के बल्ले थाईलैंड को लिया गया। दुख तो हो रहा है दोस्तों, दुख तो मेरे को काफी हो रहा है। एंड मतलब मैं कल सोने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप, मैं फोन में रखने वाला था, लेकिन जब भी एक ट्वीट आता है 90 सेकंड स्टॉपेज का कि वी हैव नॉट बीन इनवाइटेड, सो दिस इज मतलब दिस इज सैड थिंग मैं बोलूंगा। अभी हम लोग क्या ही कर सकते, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। एक और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर है कि जो एशियन चैंपियंस है कतार, वो इसमें नहीं पार्ट ले रही, आई डोंट नो कि उसके बारे में भी रीजंस पता नहीं गया, सिर्फ ऐसे बोला है कि जो एशियन चैंपियंस है कतार जो कि मतलब पार्टिसिपेट करने वाले थे ये टूर्नामेंट में, लेकिन अभी वो भी नहीं कर रही है, और उसके बदले जो 12 टीम्स है जैसे कि मैंने आपको मतलब न्यूज में बताया, तो आप आर्टिकल डेफिनेटली जो न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया में आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाराज हूँ कि इन्होंने एक रीजन नहीं बताया कि मतलब ये मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम मतलब हम लोग ज्यादा ऑफर्स थे, हम लोग मतलब अलग अलग कंट्रीज से भी हम लोग को इन्विटेशन आए थे, मतलब हम लोग को जैसे हम लोगों ने ऑफर भेजा कि हम लोग को इन्वाइट करो, तो वैसे अलग अलग कंट्रीज से भी आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने थाईलैंड को चूज किया ओवर एवरीवन। तो वो अभी देखते हैं भाई, होप कि AFF एक अच्छे से जो दो फ्रेंडली है वो अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर सके एंड थोड़े अच्छे ओपोनेंट्स लेके आए, नो डिसरिस्पेक्ट टू अदर टीम्स, लेकिन एक थोड़ा हायर क्वालिटी टीम्स मिलेगा तो मैच देखने के लिए मजा आएगा। तो यस यार, इसी के साथ ये जो वाले ये वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये थॉट्स एंड ये जो न्यूज आई है, आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है, मतलब इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा। एंड यस, इसके साथ वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई थी को लाइक कर देना, अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर विद एवरी इंडियन फुटबॉल फैन गाइस, कोई कोई को तो पता भी नहीं है कि हमें ये इनविटेशन मिला था, तो प्लीज सब वीडियोस को शेयर कीजिए, ये और इसके पहले वाला, तो डू शेयर विद एवरी इंडियन फुटबॉल फैन। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको अभी कैसा लग रहा है ये न्यूज आने के बाद। एंड अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं भी लूंगा एक और नए वीडियो में, टिल देन आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक के, लेट्स गो इंडियन फुटबॉल।